नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। जिले में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक, चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर हो जाते हैं मौके से फरार। चोरों ने देर रात पूर्व प्रधान के घर को बनाया निशाना, दीवार काट कर चोरी करने का किया प्रयास। परिवारिक जनों के बरामदे में लेटने से चोर चोरी करने में रहे असफल। चोर भैंस चोरी की घटना को नहीं दे सके अंजाम। जी हां, जिले में लगातार अलग अलग थानों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरह से चोर जिले की पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कटिया गांव की घटना है, जहां पर देर रात के चलते चोरों ने पूर्व प्रधान के घर को बनाया अपना निशाना, दीवार काट कर चोरों ने चोरी का प्रयास किया। परिवारिक जनों के बरामदे में लेटने से चोर नाकाम रहे। चोरों ने भैंस चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। रिपोर्ट रघुवंश दुबे। चाची, क्या नाम है आपका? शकुंतला। ये कौन सा गांव है? कटिया। अच्छा, चोरी कै बजे आपको पता चली, कैसे क्या हुआ? सोना है लल्ला जानी है, पहले सवेरे झाड़ू लगाऊंगे 4 बजे, तब जान पाए। अच्छा, सुबह तुम लोग उठे हुए तब गए हुए? हाँ, अब पड़िया तो 10 बजे के टाइम खुली हुई, तब तुमने देखी थी? तब तो कोई वो नहीं, तो तब देखी ना, तो खुनिया ठाड़ी तुम कोई बह नहीं है तो। अच्छा, तो मतलब रात में किसी पीछे दीवार काट दी का पूरी ईंटे निकाल दी? चाचा का नाम है? अशोक कुमार। कौन सा गांव है जो? खोजा कटिया जी। अच्छा, दीवार किन्ने कैसे काटी आपको, कैसे पता चली आप कितने? सुबह जानी तब जब इधर लाइट आई तब जानी की दीवार काट। अच्छा, सुबह जब उठे आप तब मालूम पड़ी है? अच्छा, रात में कोई जानकारी नहीं है? तो कुछ नुकसान वगैरह? नुकसान इधर कोई नहीं है, चारपाई पड़ी थी, गाड़ी खड़ी है, ये खाली चारपाई थी, तो जगह आती नहीं, गेट अप थी, चारपाई पड़ी थी। मतलब मौका पे आप लोग यहाँ लेटे हुए थे? तीन चार चारपाई पड़ी। अच्छा अच्छा, तो उधर मकान की तरफ जब जाते, जब दरवाजे ही पति दरवाजे पति बैरान पड़े। नुकसान कुछ नहीं हुआ? नुकसान ठीक।